मायोपिया हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। मायोपिया के बाद नेक्स्ट डिफेक्ट ऑफ विजन आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया कैन सी फार्दर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैनॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। मतलब क्या है? नियर नॉर्मल ह्यूमन आई का जो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिक आई में वो नियर पॉइंट बढ़ जाता है, यानी 25 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देखता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा? नियर बाय ऑब्जेक्ट कैनॉट सी क्लियरली बट फार्दर ऑब्जेक्ट कैन सी क्लियरली। दो कॉज होता है इसका मेनली, आई लेंस, ठीक है, सॉरी, आई बॉल इज बिकम टू शॉर्ट। आई बॉल क्या हो जाता है? अपने ओरिजिनल साइज से छोटा हो जाता है। दूसरा, जब आई लेंस रिलैक्स में होता है तो उसका फोकल लेंथ क्या होता है? ओरिजिनल फोकल लेंथ से बढ़ जाता है। तो दो कॉज हो गया, आई बॉल इज बिकम टू शॉर्ट और इंक्रीजिंग ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं डायग्राम में कैसे ये होता है। मान लीजिए कि ये ओरिजिनल आई है, ठीक है, ओरिजिनल आई है, ओरिजिनल आई है, आईबॉल छोटा होगा तो रेटिना आगे हो जाएगा, इस तरह का आईबॉल हो जाता है, ठीक। अब देखिए, जब ये आपका ओरिजिनल आई लेंस था, आईबॉल ओरिजिनल था, तो आई लेंस का पोजीशन ये होगा क्या? अब ये आईबॉल छोटा हो गया, ठीक है, तो दोनों किनारे से ये ऊपर उठ रहा है, ठीक है, तो ये सिलियरी मसल्स का पोजीशन जो है चेंज होगा, ठीक है, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा इसको, ठीक। तो जब ये दोनों तरफ से खींचेगा तो आई लेंस क्या हो जाएगा? थीन हो जाएगा, इसका फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। फोकल लेंथ इंक्रीज करने से क्या होगा? इन्फिनिटी से आता हुआ रे कन्वर्ज करेगा, इन्फिनिटी से आता हुआ रे रेटिना पर कन्वर्ज करेगा, लेकिन ओरिजिनल नियर पॉइंट, ठीक है, ये तो आपका नॉर्मल ह्यूमन आई है। हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या हुआ कि आई बॉल छोटा हो गया, रेटिना आगे चला आया, ठीक है, रेटिना आगे चला गया, आई लेंस हो गया थीन, फोकल लेंथ इज इंक्रीज। अब नियर पॉइंट को देखने के लिए पावर ऑफ एकोमोडेशन में पढ़े थे क्या होता है कि आई लेंस अपना फोकल लेंथ घटाता है। जब ये रिलैक्स आई था, जब रिलैक्स मोड में आई लेंस है, उसी में इसका फोकल लेंथ काफी बढ़ जाता है, तो जितना फोकल लेंथ घटना चाहिए उतना फोकल लेंथ नहीं घटता है। अब इसके कारण क्या होगा? ये हुआ ओरिजिनल नियर पॉइंट कन्वर्ज नहीं कर पाया रेटिना पे, रेटिना के बाहर कन्वर्ज करेगा, तो रेटिना पे इमेज ही नहीं बना, इसीलिए ओरिजिनल नियर पॉइंट यानी 25 सेंटीमीटर पर जो ऑब्जेक्ट है आई लेंस से वो दिखाई नहीं देगा, इन्फिनिटी दिखेगा और नियर पॉइंट पे डाला गया ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। क्लियर है? चलिए ये देखें, हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या हुआ?
कि ओरिजिनल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पर डाला गया ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या होता है, जो ओरिजिनल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है आंख से, ठीक है, वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब ये इंक्रीज्ड नियर पॉइंट हुआ तो यहां का दिखेगा, ठीक, यहां का इमेज रेटिना पर बनेगा, ठीक है। इंक्रीज्ड नियर पॉइंट पर डाला गया ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे फॉर्म करेगा, इसीलिए वो दिखेगा, और इससे अंदर का नहीं दिखेगा। इससे आगे का फिर दिखेगा, इन्फिनिटी का दिखेगा, इंक्रीज्ड नियर पॉइंट का नहीं दिखेगा, सॉरी ओरिजिनल नियर पॉइंट का नहीं दिखेगा, ठीक है। नियर पॉइंट जो इंक्रीज किया यहां का दिखेगा, ठीक है। इंक्रीज्ड नियर पॉइंट का ऑब्जेक्ट उसका इमेज रेटिना पे बनता है, इसीलिए वो दिखेगा, इससे आगे का दिखेगा, और इंक्रीज्ड नियर पॉइंट से अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा वो क्लियरली नहीं दिखेगा। क्लियर है? चलिए, मेथड ऑफ करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया कैसे करेक्ट किया जाता है? बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ एंड सुटेबल पावर, ठीक है। ये देखिए कैसे होता है। हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन में क्या लगाना है हमको? कन्वेक्स लेंस लगाना है। अब यूज्ड कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, ठीक है, ये हो गया आपका हाइपरमेट्रोपिक आई, ठीक। ये ओरिजिनल नियर पॉइंट है, ओरिजिनल नियर पॉइंट, ठीक है। ये हो गया इंक्रीज्ड नियर पॉइंट, इंक्रीज्ड नियर पॉइंट, ठीक है। हम लोग क्या देखें, ओरिजिनल नियर पॉइंट का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, इंक्रीज्ड नियर पॉइंट का ऑब्जेक्ट दिखता है, इससे इंक्रीज्ड नियर पॉइंट से आगे का ऑब्जेक्ट दिखता है, और इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हैं तो वो नहीं दिखता है, क्योंकि उसका इमेज रेटिना पे नहीं बनता है। यानी हाइपरमेट्रोपिक आई में ऑब्जेक्ट मिनिमम कहां होना चाहिए? इंक्रीज्ड नियर पॉइंट पे। अब इसके मेथड ऑफ करेक्शन में हम क्या यूज करते हैं? कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब कन्वेक्स लेंस हम लगा देते हैं, ठीक। ओरिजिनल नियर पॉइंट से रे आया, ठीक है, यहां देखिए ये लाइट रिफ्रैक्ट करेगा, किधर रिफ्रैक्ट करेगा? थिकर पार्ट की ओर करेगा ना। इसका ओरिजिनल, इस रे का ओरिजिनल पाथ देखिए क्या होगा, इधर होना चाहिए था, तो ये ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा ना, तो स्लाइटली ये कन्वर्ज करेगा ऐसे। इसका ओरिजिनल, इस रे का ओरिजिनल पाथ ऐसे होगा, ठीक है, तो ये स्लाइटली, थिकर पार्ट नीचे है लेंस का, तो ये स्लाइटली अपने ओरिजिनल पाथ से नीचे आएगा, ठीक है। दोनों रे ऑफ लाइट ओरिजिनल पाथ से एक तरह से कन्वर्जेंट डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन ये रिफ्रैक्शन के बाद भी जो रे ऑफ लाइट आता है वो फुल्ली कन्वर्जेंट नहीं होता है, ये आगे जाके नहीं मिलेगा, ठीक है। ये स्लाइटली अभी भी डाइवर्जेंट है, ये पीछे की ओर मिलता प्रतीत होगा, कहां पे? इंक्रीज्ड नियर पॉइंट पे, ठीक है, इंक्रीज्ड नियर पॉइंट पे आता हुआ प्रतीत हो रहा है। मतलब ओरिजिनल नियर पॉइंट का इमेज कहां बन जाएगा?
इंक्रीज्ड नियर पॉइंट पे। अब आई लेंस के लिए इमेज का काम कहां करेगा, इंक्रीज नियर पॉइंट पर जो वर्चुअल इमेज बनेगा किसका, ओरिजिनल नियर पॉइंट के ऑब्जेक्ट का, ओरिजिनल नियर पॉइंट के ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कहां बना, इंक्रीज नियर पॉइंट पे। यह वर्चुअल इमेज आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और यहां का इमेज तो रेटिना पे बनता है इसीलिए ये रेटिना पर इमेज फाइनल इमेज बन जाएगा और दिखाई दे देगा। बात समझ में आया? चलिए डायग्राम बनाइए, इसी बात को लिख देते हैं, ठीक है। यूज्ड कन्वेक्स लेंस क्या किया, यूज्ड कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स है ना इमेज, वर्चुअल इमेज कैसा बनाता है, वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिजिनल नियर पॉइंट एट द इंक्रीज्ड नियर पॉइंट। यह वर्चुअल इमेज, दिस वर्चुअल इमेज एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस, ठीक है। यह वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसके लिए, आई लेंस के लिए। हेंस फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट रेटिना, क्लियर है। अब एक चीज ध्यान दीजिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आप जो लेंस यूज किए, ठीक है, फॉर यूज्ड लेंस इन द करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन में जो लेंस यूज किए, कहां का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा था आपको, ओरिजिनल नियर पॉइंट का, तो ये यूज कन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, ओरिजिनल नियर पॉइंट पे रहेगा ना, और इसका ये इमेज यहां बनाएगा, ठीक है। बात समझ में आया? अच्छा ये देखिए कॉर्निया है और आई लेंस है, ये सब वेरी क्लोज होता है डायग्राम में ना, मैग्नीफाई करके बना देते हैं, आंख में क्या होता है ये काफी क्लोज होता है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निग्लिजिबल होता है। चश्मा भी हम लगाते हैं या तो कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं तो काफी सटा हुआ रहता है कॉर्निया में, और नहीं तो जो लेंस यूज करते हैं वो भी आंख में काफी सटा हुआ रहता है। तो ओरिजिनल नियर पॉइंट का डिस्टेंस जो है ये 25 सेंटीमीटर ही लिया जाता है, बस समझ में आया, क्योंकि इस सब के बीच का डिस्टेंस निग्लिजिबल माना जाता है, ठीक है। तो ये यूज्ड लेंस ओरिजिनल नियर पॉइंट यानी कि जो 25 सेंटीमीटर पे डाला गया ऑब्जेक्ट है ना, उसका इमेज यहां बनाता है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड नियर पॉइंट क्या हो जाएगा, -इंक्रीज्ड नियर पॉइंट, ठीक है। तो क्वेश्चन से आपको यू और भी पता चल जाएगा, फोकल लेंथ निकाल के पावर आप निकाल लीजिएगा, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नोट कीजिए, पक्का चला दो, यूज लेंस करेक्शन। चलिए एक क्वेश्चन है, ए पर्सन कैन सी, ठीक है, ए पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 75 सेंटीमीटर फ्रॉम आई, ठीक है, आंख से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट वो देख सकता है, एंड कैन ऑल्सो सी फादर ऑब्जेक्ट, 75 पर रखे ऑब्जेक्ट को देख सकता है, उससे आगे का भी देख सकता है, बट कैनॉट सी नियरर ऑब्जेक्ट देन 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर पे डाला ऑब्जेक्ट दिखता है, उससे आगे का दिखता है, उससे नजदीक का नहीं दिखता है,
नजदीक का नहीं दिखता है, यानी कि क्या हुआ, नेम ऑफ डिफेक्ट क्या हो जाएगा, नेम ऑफ डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अब पावर निकालना है मेथड करेक्शन के लिए जो यूज्ड लेंस लगाएंगे उसका क्या निकालना है, पावर। ठीक है, 75 पर दिखता है, 75 से नजदीक का नहीं दिखता है, यानी 75 हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट है, जबकि ओरिजिनल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर रहता है। नहीं तो यू क्या लीजिएगा बेटा, -25 सेंटीमीटर। भी क्या लीजिएगा, माइनस इंक्रीज्ड नियर पॉइंट 75 सेंटीमीटर। और आप एफ निकाल लीजिएगा क्या। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू क्या होगा, 1/u लेंस फॉर्मूला से 1/f (-75 - 1/-25). ठीक है, ये 1/f (-1/75) + 1/ कितना हो जाएगा, 75 - 1/f (2/2). तो f क्या हो जाएगा, 75/2 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे क्या, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75/2 / 100 मीटर, 3/8 मीटर। पावर क्या हो जाएगा, 1/f (1/3/8) (8/3) आ गया आपको। ठीक है, डिवाइड कीजिए 2.67 डायोप्टर, यानी 2.67 डायोप्टर का लेंस लगेगा आपके आंख में। ठीक है, अगर इस तरह का प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, अब देखिए पावर आया पॉजिटिव है ना। ठीक है, तो काइंड ऑफ यूज्ड लेंस इन द करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया क्या होगा, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्लियर। चलिए नोट कीजिए।